नेक्स्ट हम ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए चार्ज हॉलो हेमिस्फीयर ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो एक चार्ज हॉलो हेमिस्फीयर है, अगर मुझे इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इस बार मुझे इस हेमिस्फीयर को इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज डीक्यू में फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। और क्योंकि चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज एक इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया में होगा, तो इसके सरफेस पे अगर मैं एक इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज डीक्यू ले लूं, तो डीक्यू एक एरिया डीए में होगा, और यहां पे जो डीक्यू होगा दैट विल बी गिवन बाय डीक्यू इज इक्वल टू सिग्मा डीए, और इस डीक्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डीई, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंट्रल लाइन से एंगल थीटा बना रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो कि सेंट्रल लाइन के अलोंग है, वही कंपोनेंट हमें फाइंड करना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो कि सेंट्रल लाइन के परपेंडिकुलर है वो सिमेट्री से कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस डेफिनेटली कोई चार्ज ऐसा होगा जिस जो कि इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पे होगा, और वो इस डीक्यू चार्ज के डी साइन थीटा कंपोनेंट को कैंसिल कर रहा होगा। तो हमें सिर्फ डी कॉस थीटा कंपोनेंट को ही ऐड करना होगा। दस ये चार्ज डीक्यू विल बी गिवन बाय सिग्मा डीए, जहां डीए इसका एरिया है, और इस चार्ज डीक्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के डीक्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर इस हेमिस्फीयर का रेडियस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा होगा। हमें सिर्फ डी कॉस थीटा कंपोनेंट का ही सम करना है, एंड देयरफॉर डी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू के डी क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी इसके बराबर था, तो डी कॉस थीटा के डी क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, एंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रल ऑफ डी कॉस थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू के सिग्मा बाई आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, जहां डी ए क्या है, डी ए इसका छोटा सा एरिया है, क्योंकि के कांस्टेंट था, सिग्मा कांस्टेंट है और रेडियस कांस्टेंट है, तो इस इंटीग्रेशन से ये सब बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन के जो अंदर बचेगा वो सिर्फ डी ए कॉस थीटा बचेगा, तो हमें इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा का करना है। नाउ डी ए कॉस थीटा के इंटीग्रेशन करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, ये एरिया डी ए है, और इस एरिया डी ए से बनाया गया नॉर्मल और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल थीटा होगा। सो अगर ये एरिया डी ए है, डी ए कॉस थीटा एक्चुअली में इस एरिया का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा, मतलब अगर ये एरिया डी ए है तो डी ए कॉस थीटा इस प्लेन सरफेस पर इस डी ए का प्रोजेक्शन होगा। दस जब हम डी ए कॉस थीटा को ऐड कर रहे हैं, हम एक्चुअली में इन प्रोजेक्शंस को ऐड कर रहे हैं, और ऐसे सारे प्रोजेक्शन ऐड होके इस सर्कल का टोटल एरिया दे देंगे। दैट इज डी ए कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ डी ए ऑन द बेस, इस बेस के ऊपर डी ए कॉस थीटा इस डी ए का प्रोजेक्शन है, और ये सारे डी ए कॉस थीटा का सम विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द बेस, एंड दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय के सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू के सिग्मा पाई। अगर के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन डाल दें, तो वी विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन। दस इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन होगी बाहर की तरफ।